खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब एक अलग ही अवतार में नजर आए हैं। मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता की याद में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बुक्कल नवाब ने पूरे परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा का पाठ करने की वजह से बुक्कल नवाब की भक्ति चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हालांकि इन सबसे बुक्कल नवाब बेपरवाह ही नजर आए। बुक्कल नवाब ने सफाई दी है कि वो हमेशा से ही हिंदुत्व से प्रेरित रहे और आज का कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित नहीं है। बीजेपी एमएलसी ने आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रखने की बात कही है। जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम्र। बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब ने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पहले भी ये इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम करते रहे हैं, आज क्या वजह रही? बात करने के लिए खुद हमारे साथ बुक्कल नवाब साहब हैं। सर, क्या वजह रही आज आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है यहाँ पर बैठ के अपने तमाम लोगों के साथ? देखिए, हम ये है कि हम, क्योंकि हम लोग का हिंदुत्व प्रेम है और हमेशा से रहा है, हमारा, हमारे पिता को, हमारे पूर्वजों को, हम लोग हिंदुत्व प्रेम रहा है। उसी प्रेम में ही हम, मतलब ये हुआ कि चलिए हनुमान चालीसा जब आप घर के अंदर पढ़ते हैं और जब आपको सब कुछ मालूम है तो आप ऐसा करिए, हनुमान चालीसा पब्लिक के सामने भी पढ़ दिए, टीवी के सामने भी पढ़ दीजिए। हमें जो आपका जो प्रेस नोट मिला था उसमें लिखा था कि अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया। हाँ, पिता की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि कुछ चुनाव आयोग जो है बहुत जल्दी जो है ये आचार संहिता लगने वाली है। अगर हम दिन और बढ़ा देते तो उसमें ये हो जाता कि भाई ये दिन आप बढ़ा रहे हैं और मतलब ये कि उसमें ये कहते कि साहब आप अपने भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हमें कंप्लेंट हो जाती, हमको मतलब बिन कसूर जो था वो फांसी तख्ते पर चढ़ा दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहसिन रजा, वसीम रिजवी और बुक्कल नवाब को हर हफ्ते सबूत देना पड़ता है राष्ट्रवादी होने का या बीजेपी का सच्चा सपोर्टर होने के लिए, इस तरह ये इसलिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, बुक्कल नवाब से आप बात कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अब बुक्कल नवाब जो हैं, हमारे बारे में हमने कहा है, आप जाइए चौक क्षेत्र में जाइए, वहाँ एक एक दुकान को, एक एक आदमी से पूछिए, हाथ पकड़ के पूछिए कि 6 दिसंबर 1992 को वो कहाँ थे। ये हिंदुत्व प्रेम नहीं था तो क्या था यार, अपनी जान को वह खेल के गए थे, 20-20 हिंदू भाइयों के बीच में रहे हैं, वहाँ कर्फ्यू लगा रहा है 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 1992 तक कर्फ्यू लगा रहा, और 13 दिसंबर 1992 की रातों को हम जो है वहाँ चौक के अंदर रहे, जब तक कर्फ्यू नहीं हट गया, जब तक बुक्कल नवाब भी नहीं हटे वहाँ। तो नवाब साहब का साफ कहना है कि वो बहुत समय से इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे हैं और कोई दिखावा नहीं है, और जाहिर बात है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। वीडियो के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ।